जय जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा चीज बता रहा हूं जो माँ दुर्गा का बहुत ही बीज मंत्रों से बना हुआ शक्तिशाली कहा जाए उपाय है और एक ऐसा दिव्य चमत्कारी रूप है जिसे सुन लेने मात्र से, अर्थात इसके संपूर्ण चीजों को सुनने मात्र से ही आपको जितने भी अधूरी मनोकामना या फिर इच्छाएं हैं वह पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, वैसे तो आपने माँ दुर्गा के 108 नामों को सुना होगा, लेकिन इन गुप्त रहस्यों के अंदर, जो उनके प्रत्येक नामों के अंदर जो गुप्त शक्तियां हैं, उसे भी अगर आप पूरी तरह से सुनेंगे तो आपको वह मनोवांछित फल जरूर देगा जो आप चाहते हैं। तो मैं आपको माँ दुर्गा के 108 नाम उसके गुप्त रहस्यों के साथ बता रहा हूं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि सुनने मात्र से ही आपका किस्मत चमक जाएगा। जैसा कि मित्रों, माँ दुर्गा भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप है, और माँ आदिशक्ति जो है सर्वोच्च शक्ति मानी गई है आदिशक्ति। तो इनके जो 108 नाम है वह इस प्रकार है उनके गुप्त रहस्यों के साथ, तो उन्हें आप ध्यान से सुनिए। पहला है सती, अग्नि में जलकर जीवित होने वाली, जिसे सती कहा जाता है। दूसरा नाम है माता का साध्वी, आशावादी। तीसरा नाम है भवप्रीता, अर्थात भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली। चौथा नाम है भवानी, अर्थात ब्रह्मांड की निवास। पांचवा है भवमोचनी, अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाली। छठा है आर्या, अर्थात देवी। सातवां है दुर्गा, अर्थात अपराजेय। आठवां है जया, अर्थात विजयी। नौवां नाम है आद्य, अर्थात शुरुआत की वास्तविकता। दसवां नाम है त्रिनेत्र, अर्थात तीन आंखों वाली। ग्यारहवां नाम है शूल धारिणी, अर्थात शूल धारण करने वाली। बारहवां नाम है पिनाक धारिणी, अर्थात शिव का त्रिशूल उसे धारण करने वाली। तेरहवां है चित्रा, अर्थात सुरम्य सुंदर। चौदहवां है चंड घंटा, अर्थात प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, घंटे की आवाज निकालने वाली। पंद्रहवां है महातपा, अर्थात भारी तपस्या करने वाली। सोलहवां है मन, अर्थात मनन शक्ति। सत्रहवां है बुद्धि, अर्थात सर्वज्ञाता ज्ञान। अठारहवां है अहंकारा, अर्थात अभिमान करने वाली। उन्नीसवां है चित्त रूपा, वह जो सोच की अवस्था में है। बीसवां है चिता, अर्थात मृत्युशया। इक्कीसवां नाम है चिति, अर्थात चेतना। बाईसवां नाम है सर्व मंत्रमयी, अर्थात सभी मंत्रों का ज्ञान रखने वाली। तेईसवां है सत्ता, अर्थात सत स्वरूपा, जो सबसे ऊपर है। चौबीसवां है सत्यानंद स्वरूपिणी, अर्थात अनंत आनंद का रूप। पच्चीसवां है अनंता, अर्थात जिसके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। छब्बीसवां है भाविनी, अर्थात सबको उत्पन्न करने वाली खूबसूरत औरत। सत्ताईसवां है भाव्या, अर्थात भावना एवं ध्यान करने योग्य। अट्ठाईसवां है भव्या, अर्थात कल्याण रूपा, भव्यता के साथ। उनतीसवां है अभव्या, जिसे बढ़कर भव्य कुछ नहीं है। तीसवां है सदा गति, हमेशा गति में मोक्षदान। इकतीसवां है सांभवी, अर्थात शिवप्रिया शंभु की पत्नी। बत्तीसवां है देव माता, अर्थात देवगण की माता। तेईसवां है चिंता, अर्थात चिंता। चौंतीसवां है रत्न प्रिया, गहने से प्यार। पैंतीसवां है सर्व विद्या, अर्थात ज्ञान का निवास। छत्तीसवां है दक्ष कन्या, अर्थात दक्ष की बेटी। सैंतीसवां है दक्ष यज्ञ विनाशनी, अर्थात दक्ष के यज्ञ को रोकने वाली। अड़तीसवां है अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी ना खाने वाली। उनचालीसवां अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली। चालीसवां है पाटला, अर्थात लाल रंग वाली। इकचालीसवां है
पाटलावती अर्थात गुलाब के फूल या लाल परिधान या फूल धारण करने वाली। 42वां है पटाम्बर परिधाना अर्थात रेशमी वस्त्र पहनने वाली। 43वां है कलाम मंजीरा रंजनी अर्थात पायल को धारण करने प्रसन्न रहने वाली। 44वां है अमेय अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है। 45वां है विक्रमा अर्थात असीम पराक्रमी। 46वां है क्रूरा अर्थात दैत्यों के प्रति कठोर। 47वां है सुंदरी अर्थात सुंदर रूप वाली। 48वां है सुर सुंदरी अर्थात अत्यंत सुंदर। 49वां है वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी। 50वां है मातंगी अर्थात मतंगा की देवी। 51वां है मातंग मुनि पूजिता अर्थात बाबा मतंगा द्वारा पूजनीय। 52वां है मित्रों ब्राह्मी अर्थात भगवान ब्रह्मा की शक्ति। 53वां है माहेश्वरी अर्थात प्रभु शिव की शक्ति। 54वां है इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति। 55वां है कौमारी अर्थात किशोरी। 56वां है वैष्णवी अर्थात अजय। 57वां है चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। 58वां है वाराही अर्थात वराह पर सवार होने वाली। 59वां है लक्ष्मी अर्थात सौभाग्य की देवी। 60वां है पुरुषाकृति अर्थात वह जो पुरुष धारण कर ले। 61वां है विमिलोत कार्षिनी अर्थात आनंद प्रदान करने वाली। 62वां है ज्ञाना अर्थात ज्ञान से भरी हुई। 63वां है क्रिया अर्थात हर कार्य में होने वाली। 64वां है नित्या अर्थात अनंत। 65वां है बुद्धिदा अर्थात ज्ञान देने वाली। 66वां है बहुला अर्थात विभिन्न रूपों वाली। 67वां है बहुल प्रेमा अर्थात सर्वप्रिय। 68वां है सर्व वाहन वाहना अर्थात सभी वाहन पर विराजमान होने वाली। 69वां है निशुंभ शुंभ हननी अर्थात शुंभ निशुंभ का वध करने वाली। 70वां है महिषासुर मर्दिनी महिषासुर का वध करने वाली। 71वां नाम है माता का मधु कैटभ हंत्री अर्थात मधु व कैटभ का नाश करने वाली। 72वां नाम है चंड मुंड विनाशिनी अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। 73वां है सर्वासुर विनाशा अर्थात सभी राक्षसों का नाश करने वाली। 74वां है सर्वदान वघातिनी अर्थात संहार के लिए शक्ति रखने वाली। 75वां है सर्वशास्त्रमयी अर्थात सभी सिद्धांतों में निपुण। 76वां है सत्य अर्थात सच्चाई। 77वां है सर्वास्त्र धारणी अभी अर्थात इसका सभी हथियारों को धारण करने वाली। 78वां है अनेक शस्त्र हस्ता अर्थात हाथों में कई हथियार धारण करने वाली। 79वां है अनेक अस्त्र धारिणी अर्थात अनेक अस्त्रों को धारण करने वाली। 80वां है कुमारी अर्थात सुंदर किशोरी। 81 एक कन्या अर्थात कन्या। 82 कैशोरी अर्थात जवान लड़की। 83 युवती अर्थात नारी। 84 यति अर्थात तपस्वी। 85 अप्रौढ़ा जो कभी पुराना ना हो। 86 प्रौढ़ा जो पुराना है। 87 वृद्ध माता अर्थात शिथिल। 88 बलप्रदा अर्थात शक्ति देने वाली। 89 महोदरी अर्थात ब्रह्मांड को संभालने वाली। 90 मुक्त केसी अर्थात खुले बाल वाली। 91 घोर रूपा अर्थात एक भयंकर दृष्टिकोण वाली। 92 महाबला अर्थात अपार शक्ति वाली। 93 अग्निज्वाला अर्थात मार्मिक आग की तरह। 94 रौद्रमुखी अर्थात विध्वंसक रुद्र की तरह भयंकर चेहरा। 95 कालरात्रि काले रंग वाली। 96 तपस्विनी तपस्या में लगे हुए। 97 नारायणी भगवान नारायण की विनाशकारी रूप। 98 भद्रकाली काली का भयंकर रूप। 99 विष्णु माया अर्थात भगवान विष्णु का जादू। 100वां है जलोदरी अर्थात ब्रह्मांड में निवास करने वाली। 101 है शिवदूती अर्थात भगवान शिव की राजदूत। 102 करली अर्थात हिंसक। 103 अनंता अर्थात विनाश रहित। 104 अर्थात परमेश्वरी परमेश्वरी अर्थात प्रथम देवी। 105 कात्यायनी अर्थात ऋषि कात्यायन द्वारा पूजनीय। 106
सावित्री अर्थात सूर्य की बेटी 107, प्रत्यक्षा अर्थात वास्तविक 108, ब्रह्मवादिनी अर्थात वर्तमान में हर जगह वास करने वाली। तो मित्रों, यह माता के 108 नामों का उनके गुप्त रहस्यों के साथ उल्लेख है, इसे आप बस सुनिए। सुनने से ही इनके नामों के पवित्र पान से आपके कानों में जो तृप्ति होगी और उसके बाद जो फल की प्राप्ति होगी सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को पुण्य मिले। जय जय माता दी मित्रों।